आईपीएल 11 के 44वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब भिड़ेंगे। दोनों ही टीमें जीत के लिए संघर्ष करेंगी, लेकिन दोनों टीमों में मनोबल का बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों की स्थिति अंक तालिका में बहुत अलग अलग है। किंग्स इलेवन पंजाब टॉप थ्री में से एक है, हालांकि ये बात और है कि पंजाब तीसरे स्थान पर है, वहीं केकेआर पांचवें स्थान पर। अंक तालिका में दोनों टीमों की पोजीशन को कंपेयर किया जाए तो पंजाब के पास अभी कई मौके हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, लेकिन केकेआर के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि केकेआर के 11 मैचों में 10 पॉइंट हैं और इसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब हर मैच जीतना होगा, जबकि पंजाब के पास 10 मैचों में 12 पॉइंट है और इसे आगे 4 मैचों में कुल 4 पॉइंट जुटाने होंगे। कोलकाता और पंजाब का ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर दोनों टीमों ने आपस में अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। ऐसे में नए मैदान पर खेलने के लिए दोनों टीमों को ही नई रणनीति की जरूरत पड़ेगी, और शायद ये नई रणनीति ही दोनों टीमों में से किसी एक को जीत की राह पर वापस लाएगी, क्योंकि दोनों टीमें इस मैच में हार के साथ आ रही हैं। हालांकि केकेआर भले ही अंक तालिका में पंजाब से नीचे है, लेकिन आंकड़ों की माने तो केकेआर हमेशा से ही पंजाब पर भारी पड़ी है। केकेआर और पंजाब अभी तक कुल 22 बार भिड़े हैं और इन 22 मैचों में से 14 बार केकेआर ने पंजाब को चेत किया, जबकि कुल 8 बार ही पंजाब मैच जीतने में सफल हो पाई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।